दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो संडे की सुबह शुरू हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बच्चे अभी सोए हुए हैं। तो मैंने मशीन लगाई थी, तो मशीन में कपड़े बाकी डाल कर मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ। सूर्यदेव को जल दे दिया है, तो अब करूँगी मैं पूजा पाठ। पूजा पाठ करने के बाद जो बाकी के कपड़े रह गए हैं वो धोकर, तो फिर बाकी का काम शुरू करूँगी। देखते हैं आज नाश्ते में क्या बनेगा। तो बेटा भी सोया हुआ, रात को हम क्या देंगे। दोस्तों मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो सब्जी पड़ी थी, आलू गोभी थी, वो गर्म कर रही हूँ। और दाल पड़ी थी ना, तो वो किसी ने खानी नहीं थी, तो सोचा कि उसकी रोटी बना दूँ। प्याज मैंने ढेर सारे ले लिए हैं, तो अब इसको करूँगी मैं ग्राइंड। तो बाद में बनाती हूँ इसकी रोटी। किसी भी सब्ज़ी में डाल देते हैं तो इसको घुल जाती है, अच्छी लगती है ये। तो अभी इसको यहाँ रख देती हूँ। तो बाहर काफ़ी हवा चल रही है, तेज़ चल रही है, पर अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। पर क्या करें, भूख भी लगती है, काम करना ही पड़ेगा। तो मैंने प्याज जो काट ली है फाइनली काम कर ली है इसको, तो इसको ऊपरी तरफ देती हूँ। तो रोटी में डालने के लिए मैं सभी कुछ रेडी कर रही हूँ पहले, कि बार बार निकालना पड़े ना, क्योंकि आटे वाले हाथ हो जाते हैं गंदे, तो हर डिब्बे को लगते हैं। तो डिब्बे अभी वॉश करने के लिए नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो कोई किचन में आता नहीं है। तो पहले मैंने जो चीज़ें निकाल ली हैं तो आपको दिखाती हूँ मैं इसका काम। तो देखिए मैंने कितनी सारी मिर्ची 5-6 काटी हैं, तीखी भी नहीं है, नॉर्मल सी हैं। तो सारे प्याज हरी मिर्ची मैं ना इसमें ग्राइंड कर लूँगी। आटा मैंने रख लिया है 2 कटोरी के करीब। तो उसमें 1 कटोरी मैंने डाला बेसन। तो जो ग्राइंड किया हुआ प्याज और हरी मिर्ची है वो भी डाल देनी है इसमें। कसूरी मेथी वो भी डाल देनी है। तो और ये क्या है, ये क्या है, ये है धनिया क्रश किया हुआ, जीरा और अनारदाना वो भी इसमें डाल देना है। तो अभी इसमें डालूँगी नमक मिर्च वगैरह, ये पड़ी है दाल। तो आटा सिर्फ इसी से गूंदना है। मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा तेल, 2-3 बड़े चम्मच डाल दिए मैंने। तो आधा चम्मच के करीब मैंने हल्दी डाली इसमें। नमक आपने अपने टेस्ट के अनुसार डालना, जितना आप खाना पसंद करते हैं। तो धनिया पाउडर तो डाल चुकी हूँ, क्रश किया हुआ धनिया। तो आधा चम्मच लाल मिर्ची, बाकी सारे मसाले मैं डाल चुकी हूँ इसमें। तो अभी इसको कर लेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। तो गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि पूछो ही मत। नीचे पंखा भी लगाया हुआ मैंने, पर जो नींबू सोडा पिया ना कुछ, उससे मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया था नेहा ने। तो अभी मैंने आटे को थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो बर्तन कर लेने हैं मैंने साफ। जा धूप तो मैं कर रहा हूँ यार, ज़्यादा दर्द नहीं थी पापा ने की करो की करो इसे। बस वो पानी में ठंडे से पानी क्या रखा रहा बच्चा। ऊपर छत धो रहे थे ना, तो नेहा वाइपर जब ऐसे खींच रही थी ना, तो उसके छाते पड़ गई यहाँ पर। तो वो पड़ने से अब उसके हाथ पर हर चीज लग रही है। तो इस तरह से ना मल्टीग्रेन जो रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। मल्टीग्रेन ही है, 2-3 तो दालें होंगी, बीच में बाकी का सामान प्याज व्याज सभी कुछ डाला। तो वही सब कुछ डालकर तो जो है तैयार हो चुकी है हमारी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो अभी नेहा को देख के आती हूँ मैं। अपने लिए चाय मैंने गर्म होने के लिए रख दी है, तो 2 रोटियां बना रही हूँ। तो पता है आपको, बच्चों की भजी हुई प्लेट में ही माँ ही खाती हैं ज़्यादातर, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चे छोड़ ही देते हैं। तो इधर मैंने जो सामान है रख लिया है फ्रिज में रखने के लिए। तो रोटी मेरी बन चुकी है इनकी, और चाय मैंने अपनी डाल ली है। 2 रोटी भी रख ली है, तो सोचा कि गैस थोड़ा सा ही साफ़ करना है, क्यों ना कर दिया जाए, कि बाद में जे आने का दिल ना किया किचन में तो क्या करूँगी मैं, तो फिर सारा दिन पड़ा रहेगा।
साफ कर लिया मैंने, कर दी थी तेल भी बाहर लगा दिया है उसने। तो अब पीते हैं चाय रिलैक्स करने के लिए। चिकन अभी मैं इसको तमीज से इसमें डालूंगा, ठीक है। एक थाई का पीस हो जाए, थाई का पीस हो जाए, थोड़ी सी ग्रेवी, इसकी ग्रेवी, अकेली ग्रेवी चाहिए बोले। तो गर्मी कैसी लगी बच्चा आज किचन में आके? मजा आया, मजा आ गया ना। अब छोटा सा गर्दन का पीस भी खाऊंगा, ठीक है। इसको कर देता हूँ बंद। सो गाइस ये देखो चिकन करी आ चुकी है, राइस देखो, हाय 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 हाय। तो छोटा सा पीस लूँगा पहले मैं खाने के लिए, ये टेस्ट के लिए ले लेता हूँ मैं। थोड़ा सा इसमें ना नींबू डाल दूँगा, बढ़िया। हियर वी गो, फर्स्ट बाइट। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। देख सकते हैं किचन के बाहर का जो नज़ारा है, तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, तो उतनी ही ज़्यादा अंदर जो गर्मी है, तो पसीने से बुरा हाल हुआ फिर से दूध लेकर, क्योंकि मेरे वाला जो ब्रह्म इन्होंने लेकर पी लिया है, तो मेरी इतनी ज़्यादा लिक्विड चीज़ें जो फेवरेट है ना, तो आपको बता नहीं सकती, तो मैं रह नहीं सकती, तो मैं अपना पूरा ग्लास करके रहूंगी। तो फाइनली अब मेरा गिलास रेडी हो चुका है। उसके जरूर बारिश दूसरे दिन आती है, आज देखो कितनी तेज बारिश पड़ रही है, पूरा पूरा मजा आ रहा है यार। हाँ देखो बारिश, तो दिल कर रहा है कि नहाया जाए। नहीं रहने दे, अंदर आया भेज जाना ही। हाँ, जितनी गर्मी लग रही थी ना अंदर, फ्रेश हो गया माइंड मेरा। आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ, आ जाओ तू भी, आ जाओ तू भी, आ जाओ। ओए भेज जाना ही, मेरा बड़ा से जवाब है यार, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो पूरा पूरा मजा आ रहा है। तो जिस दिन मैं छत ऊपर धोती हूँ ना, दूसरे दिन बारिश जरूर पड़ती है कि आई बारिश में, पर पूरा मजा आ रहा है, दिल करता ऊपर चलिए, तो अब फ्रेश होके आइए यार। चलो ना बता, नहीं बस चलो भिजना नहीं यार, भिजना क्यों यार, गर्मी भी चाहिए तो मजा बारिश था। चलो चलिए फिर, चलिए चलिए देख दें। चलो चलो रुको मैं फोन ला लूँ। चलो फोन भेज जाना ना, होर नहीं कोई चक्कर हैगा।